हेलो फ्रेंड्स, 2 जून 2021 को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके द्वारा के गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी के रेट चेंज किए गए हैं और कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में के हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया गया है, जिसके द्वारा के GST के रेट गुड्स पे चेंज किए गए हैं, यानी कि शेड्यूल 1 5% का शेड्यूल है, जहाँ पे के सीरियल नंबर 259A में जो एंट्री दी गई थी, अब वहाँ पे सिर्फ 9503 को ही सब्स्टिट्यूट किया गया है। फ्रेंड, नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में जो शेड्यूल 1 के अंतर्गत एंट्री नंबर 259A दी गई थी, यहाँ पे दो HSN कोड आते थे, 4016 और 9503। इस प्रकार टॉय बैलून्स मेड ऑफ नेचुरल रबर लेटेक्स पे 5% GST के रेट थे। अब सिर्फ जो टॉय बैलून्स मेड ऑफ नेचुरल रबर लेटेक्स एंटी 9503 के अंतर्गत आते हैं, उन पे ही 5% GST के रेट रहेंगे, और जो 4016 के अंतर्गत आते हैं उसे अभी एंट्री से हटा दिया गया है। इसी प्रकार फ्रेंड, नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में शेड्यूल 1 के अंतर्गत, यानी कि 5% शेड्यूल में एंट्री 180 आती थी, जहां पे के लिस्ट 1 के अंतर्गत ऐसी ड्रग और मेडिसिन स्पेसिफाई की गई थी जिन पे के 5% GST के रेट होंगे। अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 के द्वारा शेड्यूल 1 में जो लिस्ट 1 दी गई थी एंट्री नंबर 180 के अंतर्गत, वहाँ पे 231 लिस्ट को ऐड किया है, यानी कि डाइथल कार्बेमेजाइन, जहाँ पे के 5% GST के रेट होंगे इस ड्रग्स के ऊपर भी। CBIC ने नोटिफिकेशन नंबर 2/2021 सेंट्रल टैक्स रेट भी जारी किया है, जिसके द्वारा के CBIC ने ये कहा है कि यदि डेवलपर और प्रमोटर के द्वारा लैंड ओनर प्रमोटर से GST चार्ज किया गया है, तो उस केस में लैंड ओनर प्रमोटर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा। इसके अलावा CBIC के द्वारा ये भी कहा गया है कि यदि अब मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सब्सिडी दी जाती है शिप्स, वेसल्स, इंजन्स और अदर कंपोनेंट और पार्ट्स के लिए, तो उस केस में 5% GST के रेट होंगे, यानी कि 2.5% CGST एक्ट के अंतर्गत और 2.5% SGST एक्ट के अंतर्गत है, या फिर 5% IGST एक्ट के अंतर्गत है। CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 3/2021 इंटीग्रेटेड टैक्स भी इशू किया गया है, जिसके द्वारा के बताया गया है कि यदि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सर्विस दी जाती है शिप्स एंड अदर वेसल, उनके इंजन, कंपोनेंट्स या पार्ट से रिलेटेड, ताकि व्यक्ति उसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सके, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रेसिपिएंट की लोकेशन मानी जाएगी। CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 3/2021 सेंट्रल टैक्स रेट भी जारी किया गया है, जिसके द्वारा के बताया गया है कि डेवलपर प्रमोटर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले भी GST पे कर सकता है, या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इशू होने के टाइम पे GST पे कर सकता है। ये चेंज इसलिए किया गया है ताकि लैंड ओनर जब अपार्टमेंट सेल करे, तो उस वक्त डेवलपर ने जो उसे GST चार्ज किया है वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सके। ये चेंजेस 2 जून 2021 से इफेक्टिव होंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।